नमस्कार, मैं किरण एमएनएस न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखते हैं आज की बड़ी खबरें। भंडारा रहा 100% बंद। देश में पेट्रोल और डीजल के आए दिन बढ़ते ही दामों को लेकर आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ भाजपा सरकार ने महंगाई कम करने की बात कही थी, लेकिन महंगाई कम होने की बजाय हर दिन बढ़ते ही जा रही है। पेट्रोल और डीजल के साथ साथ घरेलू उत्पादनों की दरें कम करने की मांग को लेकर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तथा लेफ्ट पार्टी के साथ मिलकर भारत बंद का आयोजन 10 सितंबर को किया गया। पूरे महाराष्ट्र के साथ भंडारा जिले में बंद का काफी असर दिखा। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष तथा पूर्व सांसद नाना पटोले के नेतृत्व में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रेम सागर गणवीर, राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश सचिव धनंजय दलाल, जिला अध्यक्ष नाना पंचबुद्धे तथा सैकड़ों कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने भंडारा शहर बाइक रैली निकालकर भंडारा वासियों को प्रतिष्ठान को बंद रखने का आह्वान किया गया। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते कीमतों को लेकर आम आदमी बहुत परेशान था, इसीलिए उन्होंने भी भारत बंद का समर्थन करते हुए दुकानें बंद रखी थी। इस अवसर पर पूर्व सांसद नाना पटोले को पूछने पर उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार पेट्रोल डीजल को लेकर आम आदमी जेब से पैसे लूट रही है। आइए देखते हैं भंडारा ब्यूरो चीफ निशांत लांजेवार की खास रिपोर्ट। ऐसा है कि नरेंद्र मोदी की जब से सरकार आई है, रुपए का भी अवमूल्यन हो रहा है, डॉलर की कीमत बढ़ते जा रही है, और दूसरा कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें जिस तरह से बढ़ते जा रही है, आसमान को छू रही है। हमारा देश जो डीजल और पेट्रोल जो हमारे बाजू के देश है, जैसे मलेशिया हो, सिंगापुर हो, उसमें निर्यात करते हैं, उसमें 34 और 36 रुपये में डीजल और पेट्रोल बेचते हैं, और हमारे भारत देश में वही पेट्रोल वही डीजल 90 और 84 रुपये में बेच रहे हैं, जिसे भारत देश की जनता के जेब से 50 रुपया पर लीटर नरेंद्र मोदी की सरकार जेब काट रही है। और ऐसे समय में भारत देश की जनता में बड़े पैमाने में मोदी की सरकार के, भाजपा के सरकार के विरोध में असंतोष है। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी, एनसीपी के अध्यक्ष और कम्युनिस्ट पक्ष, ऐसे सभी पक्षों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। भंडारा हमने 100% हमने बंद रखा है, और जिसमें लोगों ने हमें कॉपरेट किया है। जो पेट्रोल डीजल गैस के जो रेट बढ़ गए हैं, उसका निषेध करने के लिए हमने भंडारा बंद का आयोजन किए। ये सभी पार्टी जो हमारे साथ में, राष्ट्रवादी कांग्रेस, कम्युनिस्ट, सब ने मिलकर ये आज निषेध मोर्चा निकाले। प्रभु मांगे ये नहीं पेट्रोल डीजल के रेट कम होने को ना। जिस तरह से मोदी सरकार ने जो लोगों को ये दिए थे, वचन दिए थे कि हम आने के बाद में पेट्रोल डीजल के रेट कम करेंगे, गैस के रेट कम करेंगे, लेकिन उलट ये रेट तो बढ़ते ही जा रहे हैं, डेली बढ़ते जा रहे हैं। आज भारत देश में कांग्रेस ने पूरे भारत बंद का आह्वान किया, उसमें हमारे सहयोगी साथी राष्ट्रवादी, समाजवादी पार्टी, डावे पक्ष, ये सारे तमाम लोगों ने उसका समर्थन किया और साथ दिया। आज आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत में पेट्रोल डीजल के भाव पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा रेट पर बिक रहे हैं, और इस वजह से ये भारत की जनता बहुत परेशान है, और उनकी जेब को, जो जेब खाली करने का काम ये भाजपा सरकार कर रही है, और इसलिए हमारे कांग्रेस ने, राष्ट्रवादी ने, समाजवादी पार्टी, डावे पक्ष और बाकी हमारे सहयोगी साथियों ने हमें इस भारत बंद में सहयोग किया, और आज पूरा भंडारा जिला बंद करने के लिए हमको सहयोग दिया। सार्वजनिक व्यायामशाला द्वारा महिला एवं पुरुष कुश्ती स्पर्धा का आयोजन एशवन स्टेडियम में किया गया। कुश्ती प्रतियोगिता में युवकों की 33 और युवतियों के 13 मुकाबले हुए। हर साल व्यायामशाला की ओर से पोले के दिन कुश्ती का आयोजन किया जाता है। जिले में एक कॉलेज प्रोफेसर पर कॉलेज कर्मचारी
किया गया। हमले में शिक्षक पूरी तरह से घायल हो गए। इस संबंध में पुलिस स्टेशन में हत्यारे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। तो दर्शकों, खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए MNS इंडिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे MNS न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।